गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन होम क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा कल से मैथमेटिक्स का पार्ट टू शुरू हुआ है और इसका हमने नया टॉपिक शुरू किया है इंटीग्रल्स, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये इंटीग्रल्स का टॉपिक इसलिए मैंने शुरू किया क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन पढ़ी थी और ये उसी का इनवर्स है। तो चलिए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रल्स। तो हमारा टॉपिक है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स मैंने आपको बताए थे कल कि दो तरह के होते हैं, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और एक डेफिनिट इंटीग्रल्स। और देयर इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड एज इंटीग्रल कैलकुलस विच डील्स विद इंटीग्रल्स। सो इंटीग्रल्स दो तरह के हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो पहले हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, वेदर इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल और इट इज डेफिनिट इंटीग्रल। तो चलिए इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में हमने बताया था कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हम क्या करते थे, वी आर गिवन ए फंक्शन, हमें एक फंक्शन दी होती थी एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, और हमें उसका डेरिवेटिव ढूंढना था। तो डिफरेंशिएशन में हमें एक फंक्शन दी होती थी और हम उसका डेरिवेटिव ढूंढते थे, क्या ढूंढते थे, डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में, इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमने कल पढ़ा था इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो इंटीग्रेशन होती है ये डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में फंक्शन दी होती है और उसमें हम उसका डेरिवेटिव ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दिस केस वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड इट्स ओरिजिनल फंक्शन, जिसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, और प्रिमिटिव कॉल्ड एज उस ओरिजिनल फंक्शन को हम एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। सो आपने देखा कि डिफरेंशिएशन में हमें एक फंक्शन दी होती है और हम इसका डेरिवेटिव ढूंढते हैं, और इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमें एक डेरिवेटिव दिया होता फंक्शन का, उसमें फंक्शन दी होती है और डेरिवेटिव ढूंढते हैं, इसमें डेरिवेटिव दिया होता है और हमें कहा जाता है कि उस ओरिजिनल फंक्शन को ढूंढो जिसका ये डेरिवेटिव है, और उसी ओरिजिनल फंक्शन को हम प्रिमिटिव कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव कहते हैं या हम उसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। अब इनडेफिनिट इंटीग्रल क्यों कहते हैं ये आगे आपको पता चलेगा। तो कल हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारी साइन फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स है। अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स। मोर जनरली इफ देयर इज ए फंक्शन एफ सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ और उस फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव आप देख रहे हो वो एफ एक्स है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, ये आई क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। सो चलिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका डेरिवेटिव क्या है, दिस एफ एक्स, वेयर देन फॉर एनी आर्बिट्री रियल नंबर सी। तब एक रियल नंबर सी के लिए हम डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले फंक्शन एफ एक्स लेते थे वो क्या था, एफ एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम एफ एक्स के बदले एफ एक्स प्लस सी भी ले सकते हैं क्योंकि आपको पता है सी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो एफ एक्स प्लस सी या एफ एक्स, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि एफ एक्स का तो डेरिवेटिव निकला एफ एक्स, सी का डेरिवेटिव जीरो होता है प्लस जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम एफ एक्स के बदले एफ एक्स प्लस सी भी ले सकते हैं, और जो सी है ये आर्बिट्रेरी, ये एक रियल नंबर है, इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो हमने देखा कि अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स प्लस सी वो एफ एक्स है तो एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो है वो एफ एक्स प्लस सी होगा। आगे चलिए, अब वी इंट्रोड्यूस ए न्यू सिंबल नेमली। तो हम एक नया सिंबल, जिस तरह हमने डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स लिया था, तो यहाँ पर इंटीग्रल, इंटीग्रल का सिंबल
integration of fx dx, which will represent the entire class of antiderivatives read as indefinite integrals. तो हम antiderivative लिखने के बदले एक सिंबल लेते हैं, जिस तरह हम डेरिवेटिव लिखने के बदले डी बाई डी एक्स लिखते हैं, यहाँ पर हम डेरिवेटिव का सिंबल क्या है डी बाई डी एक्स, और एंटी डेरिवेटिव का सिंबल क्या है ये इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और ये सारे के सारे एंटी डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करेगा जिनको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स भी कहते हैं. इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि सी कांस्टेंट होता है मैंने कहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स प्लस सी आपने देखा वो एफ एक्स है, देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा, ये एफ एक्स प्लस सी. तो इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है. सो इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स, देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस सी. एंड सिंबॉलिकली वी राइट इट एज, इस एंटी डेरिवेटिव को या इनडेफिनिट इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं. सो जिस तरह आपने डिफ्रेंशिएशन के बदले डी बाई डी एक्स लिखा था, डेरिवेटिव के बदले डी बाई डी एक्स लिखा था, इसी तरह इसको एंटी डेरिवेटिव के बदले क्या लिखा जाता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स के बदले क्या लिखा जाता है, ये एंटी डेरिवेटिव के बदले हम सिंबल डालते हैं कौन सा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. तो ये वर्ड्स में एंटी डेरिवेटिव लिखने के बदले सिंबल कौन सा डाला जाता है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी. पहले हमने लिखा था एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, अब इस एंटी डेरिवेटिव के बदले इसका सिंबल डाला, क्या डाला, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी, अगर हम सी की वैल्यू चेंज करते रहें, वी गेट मैनी एंटी डेरिवेटिव. जो जो सी की वैल्यू चेंज होती जाती है तो हमें अलग अलग तरह के एंटी डेरिवेटिव मिलते हैं, इसीलिए दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है. एज द वैल्यूज ऑफ सी चेंजेस, द वैल्यू ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल आल्सो चेंजेस. तो जो जो सी की वैल्यू चेंज होगी तो इनडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल. सी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल. ये सी क्या है, एक रियल नंबर है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं. द फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एज इंटीग्रेंट, ये जो फंक्शन है इस सिंबल में ये एंटी डेरिवेटिव का सिंबल है, किसका सिंबल है, ये एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल को. तो ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, ये वाला, ये सिंबल किसके बदले लिखा जाता है, एंटी डेरिवेटिव के बदले. सो एंटी डेरिवेटिव किसका, एफ एक्स. सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, एफ एक्स प्लस सी. सो एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल के बदले ये सिंबल लिखा जाता है, और इस सिंबल में ये जो एफ एक्स है इसको कहते हैं इंटीग्रेंड. क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड. और ये जो निशानी है ये लंबे एस की इंटू डी एक्स, इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन. क्या कहते हैं, इंटीग्रल साइन. सो ये जो एंटी डेरिवेटिव पूरा लिखा हुआ किसका एंटी डेरिवेटिव, एफ एक्स का. इस एफ एक्स के एंटी डेरिवेटिव में एफ एक्स जो होता है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंड, जिसका हमने एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है. और ये जो सिंबल है इंटू डी एक्स, ये जो सिंबल है एफ एक्स को कहा जाता है इंटीग्रेंड, और ये जो सिंबल है इस सिंबल को कहा जाता है इंटीग्रल साइन. क्या कहा जाता है, इंटीग्रल साइन. एंड रियल नंबर सी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो रियल नंबर सी था इसमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. तो इस एंटी डेरिवेटिव को हम इनडेफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सी, एज द वैल्यूज ऑफ सी चेंजेस वी कैन गेट मैनी वैल्यूज ऑफ दिस एंटी डेरिवेटिव. सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि सी की वैल्यूज बहुत सी हैं, पता नहीं कितनी हैं, तो इसलिए हम इस एंटी डेरिवेटिव को इंडिफरेंट इंटीग्रल भी कहते हैं. किसकी वजह से, सी की वजह से. चलिए, सो आपने देखा है, सो वी कैन फाइंड द इंडिफरेंट इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग
फ्राम देयर डेरिवेटिव्स. तो जो फॉलोइंग फंक्शंस हैं, जो नीचे दिए हुए फंक्शंस हैं, इनके हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव्स ढूंढ सकते हैं. कैसे? चलिए ये एक साइड डेरिवेटिव ले लो और साइड दूसरी साइड उसका एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल. इंडेफिनिट इंटीग्रल को हो या एंटी डेरिवेटिव को हो, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इस साइड डेरिवेटिव लोगे तो उस साइड एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? सी की वजह से. सो चलिए, डी बाई डी एक्स होता है डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का सिंबल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज बार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू, ये अगर डेरिवेटिव निकालें आपको पता है एन प्लस वन नीचे आ जाएगा, एक्स का पावर एन प्लस वन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा? एक्स रेज बार एन. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज बार एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन कितना है? एक्स रेज बार एन. तो एक्स रेज बार एन का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल. तो अब एंटी, यहाँ पर डेरिवेटिव लिखने के बदले डी बाई डी एक्स लिखा सिंबल में, तो यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव लिखने के बदले उसका सिंबल क्या है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका? एक्स रेज बार एन इज डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज पर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन. तो इसका डेरिवेटिव ये है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है. एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंडेफिनिट इंटीग्रल. सो अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इज पर एन, देन एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एक्स इज पर एन, इसका एंटी डेरिवेटिव, ये तो निशानी है किसका? एंटी डेरिवेटिव. तो एंटी डेरिवेटिव को यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव लिखने के बदले सिंबल लिखा जाता है, जिस तरह वहाँ डेरिवेटिव के बदले डी बाई डी एक्स, या एंटी डेरिवेटिव के बदले ये सिंबल लगाया जाता है साथ में डी एक्स. तो एंटी डेरिवेटिव किसका? एक्स रेज बार एन, वो क्या होगा? वो ये होगा एक्स रेज बार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. प्लस सी साथ में जरूर लिखना है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है. तो हर एक एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी को जरूर लिखना है आंसर में. जैसे ही इंटीग्रल की निशानी खत्म हुई तो आपने प्लस सी डालना है. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? वन. कैसे? एक्स का पावर वन, वन नीचे आएगा, फिर वन माइनस वन होता है जीरो, एनीथिंग इज बार जीरो इज वन, सो वन इंटू वन इज वन. तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, तो एक्स का डेरिवेटिव वन है, तो वन का इंटीग्रल जो है एंटी डेरिवेटिव जो है वो एक्स है. सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हिसाब में. सो इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो साइन एक्स प्लस सी होगा. सो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है. समझ रहे हो? नहीं. अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी. क्योंकि प्लस सी हमने क्यों लिखना है? क्योंकि इस एंटी डेरिवेटिव को हम इंडेफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं. तो इंडेफिनिट इंटीग्रल सी की वजह से ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है. इसी तरह कल हम और डेरिवेटिव लेंगे, उनके एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम इसी बेस पे इसको कंटिन्यू करेंगे. सो डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है तो डी बाई डी एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, और अगर एंटी डेरिवेटिव लिखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स. तो आपने देखा, अगर हमने डेरिवेटिव लिखना है तो डी बाई डी एक्स लिखते हैं, और अगर एंटी डेरिवेटिव लिखना है तो इंटीग्रल ऑफ एक्स इज बार एन डी एक्स लिखते हैं. तो डेरिवेटिव के लिए डी बाई डी एक्स, और एंटी डेरिवेटिव के लिए इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल इंटू डी एक्स. और फंक्शन कौन सी होगी? जो भी फंक्शन होगी. सो आज इनको अच्छी तरह से रीड कीजिए, फार्मूला को समझिए कि अगर ए बी का, अगर बी ए का डेरिवेटिव है तो ए बी का एंटी डेरिवेटिव है. इसी तरह आप इसको याद रखेंगे, और सभी अपना डेली का होमवर्क करते रहेंगे, अच्छे तरीके से इस टॉपिक को, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फार्मूले अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, अपना नोट्स डेली बनाएंगे, और जो भी अपना काम होमवर्क या अपने नोट्स नहीं बनाएगा या टाइम पर अपनी क्लास को अटेंड नहीं करेगा उसको जीरो मिलने वाला है, और वही आगे फॉरवर्ड करूँगा मैं. सो बी केयरफुल, क्योंकि अब ये ऑनलाइन सिस्टम है सारा, और ऑनलाइन ही आपके मार्क्स होंगे. तो इसलिए अगर आप लेटर मस्ती करोगे तो याद रखना फेल हो जाओगे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.